नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिगो। दोस्तों, वर्टिगो को इंग्लिश में रूटीन की साइंटिफिक लैंग्वेज में गिडीनेस भी कहा जाता है, या इसको डिजीनेस भी कहते हैं, या हमारी जो रूटीन की लेमेन लैंग्वेज है, यानी जो रूटीन में हम जो ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं चक्कर आना, या आप कह सकते हो कि सिर घूमना। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि वर्टिगो क्या है या चक्कर आना क्या है। देखिए, अगर आपका इस बीमारी से काम पड़ा हुआ है, यानी अगर आपको ऑलरेडी वर्टिगो है या आपको चक्कर आते हैं, तो आपको समझाना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि जब आपको चक्कर आते हैं या वर्टिगो है तो आप कैसा महसूस करते हैं। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपको वर्टिगो होता है या चक्कर होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप शायद थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इस टॉपिक से। देखिए, हम सब ने बचपन के अंदर जरूर कहीं ना कहीं झूला झूला हुआ होता है। आप कहीं ना कहीं अगर कभी मेले में गए हैं तो वहाँ दो तरह के झूले होते हैं। एक झूला बहुत बड़ा सा झूला होता है, जो एकदम राउंड होता है, सर्किल में होता है, एकदम गोलाकार होता है, और उसमें जो है बहुत तेज़ी से उसकी धीरे धीरे जब आप बैठते हो तो उसको झूला झूलाने वाले भैया उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और वो बहुत तेज़ी से झूला जो है आपका घूमने लगता है, और आप एक बार नीचे होते हो, सेकेंड टाइम ऊपर होते हो, फिर आप नीचे आते हो, फिर ऊपर आते हो, वो गोल गोल जो है झूला जोर जोर से घूमता है। और एक जो है स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बचपन में जरूर सब ने वो झूला झूला हुआ है, उसके अंदर जब हम बैठते हैं और उस पर जो है 5-6 बच्चे बैठ जाते हैं, चेयर जैसा बना हुआ होता है, और कोई उसको गोल गोल घुमाता है, और उस पे झूले पे घूमने में आपको बहुत मजा आता है। दोस्तों, जब आप बचपन में होते हो और इन झूलों में झूलते हो, तो कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि जब आप झूले से उतरे तो आप याद कर पाएंगे कि अगर बहुत तेजी से उस झूले को घुमाया गया है, और जैसे ही आप झूले से नीचे उतरते हो तो आपको एक बार जो है लगेगा कि कहीं ना कहीं दुनिया घूम रही है, आपको लगेगा कि मेरा सिर घूम रहा है, या आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, आपका थोड़ा बैलेंस की नहीं, मेरा बैलेंस जो है गड़बड़ा रहा है, यानी धरती घूम रही है, या आपको लगेगा कि पास की जगह पूरी जो है घूम रही है। दोस्तों, कुछ ही इसी तरह की जो है आपको फीलिंग आती है जब आपको ये बीमारी हो जाती है, जिसको कि वर्टिगो कहते हैं, या डिजीनेस, या गिडीनेस, या चक्कर आना भी कहते हैं। देखिए, झूले के अंदर तो आप थोड़ी देर के लिए क्या कि आनंद के लिए, आप मौज मस्ती के लिए बैठे, जो आपको एक एक्टिविटी अच्छी लगती है, लेकिन जब यही डे टू डे लाइफ में होने लगता है, आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं और आपको जब इस तरह की फीलिंग आती है, चक्कर आने लगता है, मान लीजिए आप बिस्तर पर सोए, आपको चक्कर आ रहा है, आप बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस तरह की चक्कर आने लगा, तो दोस्तों ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ को, जो आपकी दैनिक मतलब रूटीन एक्टिविटीज है, उसको डिस्टर्ब करने लगती है, तो जो है ये हर तरह से आपकी लाइफ को प्रॉब्लम करती है और उसके हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि बहुत ज्यादा हम साइंस में नहीं जाएंगे, लेकिन रूटीन बेसिक है, कि मेरा जो मकसद कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि चीज क्या है यहां, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में बैलेंस या संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों, हमारा जो कान होता है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम इनर ईयर कहते हैं, और उसी के अंदर एक सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम। तो हमारे जो इनर ईयर के अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। किसी भी कारण से जब इस वेस्टिबुलर सिस्टम में, इनर ईयर के अंदर कोई भी तरह का इंफेक्शन हो जाए, या कोई तरह की आप कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन हो जाए, या कोई तरह की बीमारी हो जाए, कोई तरह का वहां और कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाए, तो उसके कारण हमें जो वर्टिगो होता है या चक्कर आने लग जाता है, और यह कंडीशन पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रूटीन में मतलब क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स आते हैं, जिससे कि आपको महसूस हो कि कहीं आपको वर्टिगो डिजीज तो नहीं होगी। दोस्तों, सबसे कॉमन सिम्टम, क्योंकि इस बीमारी का नाम ही चक्कर आना है, तो सबसे पहली बात, आपको चक्कर आएंगे, यानी आप उठते बैठते खेलते टाइम या कोई भी एक्टिविटी आप रूटीन में महसूस कर सकते हैं कि मुझे एकदम चक्कर आया, और ऐसा आपको बार बार होने को लगेगा। और जब आपको चक्कर आएगा तो दोस्तों आपको लगेगा कि आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, या आपको जो है मेरा सिर घूम रहा है, या आपको दुनिया घूम रही है, यानी दोनों में से कोई एक सिम्टम आएगा। या तो आपको लगेगा अरे मेरा सिर घूम रहा है, या आपको क्या लगेगा कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे सराउंडिंग यानी आसपास की जो जगह है वो घूम रही है। दोस्तों, जब इस तरह की चीजें होगी तो उसके कारण आपको नोजिया, यानी आपको हिंदी में आप कह सकते हैं जी मचलाने की आपको जो है फीलिंग आ सकती है, और जब ज्यादा हो ये चीज तो आपको उल्टी भी आ सकती है। उसी के साथ में जब आपको दोस्तों चक्कर की फीलिंग आएगी तो आपको क्या होगा कि इंबैलेंस महसूस होगा, यानी आपको संतुलन बनाने में दिक्कत आएगी। जब आप चलेंगे या अपना पैर एक जगह से उठा के दूसरी जगह जैसे ही रखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको लगेगा कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, तो आप कोशिश करेंगे मैं कोई सपोर्ट ले लूं, कोई सहारा ले लूं, उस सहारे से खड़ा रहूं, या मैं उस सहारे को लेकर बैठ जाऊं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आपके लिए दुनिया पूरी घूम रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं।
तो आपको क्या होगा दोस्तों, ये गिरने का एहसास होगा कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, तो उसके लिए आपने सपोर्ट ले लिया। दोस्तों इसी के साथ के अंदर आपको क्या हो सकता है कि आपको जो विजन है, यानी आपको लगेगा कि आपका डबल विजन हो रहा है, यानी आपको देखने में लगेगा कि मुझे देखने के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हर चीज डबल दिख रही है, इस तरह के आपको सिम्टम आ सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सिरदर्द भी महसूस हो सकता है। इसी के साथ के अंदर दोस्तों जो जिनको वर्टिगो होता है उसमें एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जो देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो कान के अंदर इनर ईयर में एक सिस्टम होता है जो कि हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, और अक्सर उसमें कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन्फेक्शन या कोई बीमारी के कारण ये डिजीज होने का ज्यादा रिस्क रहता है। तो दोस्तों जो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम कि आपको कानों के अंदर कोई तरह की साउंड यानी आवाज महसूस हो सकती है, आपको लग सकता है कान में कुछ सीटी सी बज रही है या इस तरह की कुछ आवाज आ रही है, यानी कान में इस तरह का आपको एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है जो कि आपको चक्कर या वर्टिगो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह के लक्षण है और बार बार आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, या आपको वर्टिगो हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है, यानी कोज, यानी वैसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण कि आपको वर्टिगो हो सकता है। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्टिगो डिजीज है, यानी जो चक्कर आने की बीमारी है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी ज्यादातर केसेज में ये देखा गया है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई दूसरी डिजीज है, कोई पीछे दूसरी हिडन बीमारी है जिसके कारण आपको चक्कर आता है। तो दोस्तों यहां आप जो कभी भी अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आपको इमीडिएटली प्रॉपरली डॉक्टर से मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि हो सकता है कि आप जिसको सिंपल वर्टिगो या चक्कर मान रहे हैं उसके पीछे कोई दूसरी जो है आपके छुपी हुई कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण कि ये बीमारी आ रही है। और दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी जो देखने को मिलती है वो देखने को मिला है कान से रिलेटेड बीमारियां। दोस्तों कुछ कॉमन डिजीज जो कि ज्यादा देखने को मिलती है वो मैं आपके साथ सिर्फ उनके नाम शेयर करूंगा, ज्यादा साइंस में हम नहीं जाएंगे, जो है अगर आपको ऐसा है तो आप समझ जाएंगे। जैसे टिनिटस, यानी दोस्तों उसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको कान के अंदर अलग अलग तरह की साउंड आ सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरे कान में सीटी बज रही है, कुछ लोगों को लगेगा कान में कुछ अलग एक कॉन्स्टेंट कुछ आवाज आ रही है, तो इस तरह की आवाज आना, साउंड आना, वो आपको हो सकता है, तो उसके कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों मैनियर्स डिजीज हो सकती है, ये भी एक कान की एक बीमारी है। उसी तरह से एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको दोस्तों बोलते हैं BPPV, यानी कि बेनाइन पैराक्सीमल पोजिशनल वर्टिगो। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म होगी BPPV की। दोस्तों ये एक बीमारी होती है जो कि कान से रिलेटेड ही है, अगर आपको है तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेज है। इसी तरह से दोस्तों आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, अगर वेस्टिबुलर न्यूराइटिस यानी कान में ही अपने फेस पे कुछ नर्व्स होती है उसमें ही कंडीशन होती है जिसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं, यानी नर्व्स में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके कारण यानी वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के कारण भी अपने को वर्टिगो हो सकता है। दोस्तों उसी तरह से कुछ केसेस के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप देखते हैं कि अचानक आपको चक्कर आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक ज्यादा बढ़ गया है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे हो गया है, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया है, हाइपोटेंशन हो गया है, तो उसके कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो अगर और भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर, यानी आपके मम्मी पापा किसी को अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है और आपको चक्कर आए हैं और सिर में भारीपन है, तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की आपकी दवाइयां चल रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी आपको इमीडिएटली अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए डॉक्टर से जाके, कि आपके जो है डोज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं गया। उसी तरह से लेडीज में ज्यादा देखने को मिला है, हालांकि पुरुषों में भी हो सकता है, कि लेडीज में अक्सर दोस्तों देखने को मिलता है कि उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो हाइपोटेंशन के कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये चीजें जरूर रूल आउट होनी चाहिए। दोस्तों उसी तरह से कुछ केसेस के अंदर मान लीजिए आपको लंबे समय तक बीमारी रही, कोई आपको डिजीज रही, किसी कारण से आपके बॉडी से कोई तरह के फ्लूइड्स का लॉस है, मान लीजिए आपकी बॉडी से ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, फीमेल्स में हो सकता है कि उनको मान लीजिए मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसके बाद चक्कर आ रहे हैं, तो ब्लड लॉस के कारण हो सकता है। पुरुषों के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई तरह की वीकनेस आ गई है, लंबे समय तक बीमारी रही है या और भी कुछ कंडीशंस हो गई है, तो उसके कारण यानी जनरल वीकनेस के कारण भी आपका अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया तो उसके कारण चक्कर आ सकते हैं, तो आपको जनरल आपका हेमोग्लोबिन भी चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी डायबिटिक हिस्ट्री है तो आपको अपना डायबिटीज लेवल भी चेक करवाना चाहिए। दोस्तों उसी तरह से एक कंडीशन और होती है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हालांकि ये किसी में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी देखने को मिला कि जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अंदर जो है आपको गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द होगा और हाथ में भी आपके दर्द आ सकता है। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और चक्कर आ रहा है तो आप समझिए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी चक्कर आ सकता है।
तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके साथ कुछ कॉमन जो है कॉज या कारण शेयर किए जो कि रूटीन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल आदमी के अंदर हो सकता है कि आप में इनमें से कोई भी कारण नहीं और कुछ अलग रीजन भी हो, तो इन सारी चीजों के लिए आप जब अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो रूल आउट कर लेंगे कि आपको किस कारण से चक्कर आ रहा है, और जो रूट कॉज है यानी उसको भी आपको ठीक करना चाहिए। सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए कि मुझे जस्ट चक्कर आ रहा है और मैंने चार दवाइयां लेनी शुरू कर दी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों प्रॉपरली डायग्नोस करवाएं कि कोई ऐसी हिडन बीमारी तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आप ENT डॉक्टर से भी मिल सकते हैं कि आपका पूरा जो ईयर नोज थ्रोट है कान वगैरह इसका भी प्रॉपरली चेकअप हो जाए। और अगर आपको लंबे समय तक और बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको न्यूरोफिजिशियन से भी जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल ऐसा इंबैलेंस हो या कोई डिजीज हो जिसके कारण कि आपको ये इस तरह की चक्कर आने की क्रॉनिक डिजीज हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो रूट कॉज है उसको अपने को फाइंड आउट करना है और ये प्रॉपरली डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चक्कर या वर्टिगो के अंदर होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है फॉस्फोरस। दोस्तों फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती है और इसको 30 पोटेंसी में यानी 30 पावर के अंदर आपको सुबह शाम लेना चाहिए। दोस्तों फॉस्फोरस के अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसा मैंने बताया कि हर आदमी में अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, सिम्टम होते हैं, हर डिजीज का भी सिम्टम होता है, तो हर मेडिसिन का भी अपना एक सिम्टम है। तो अगर हम मेनली बात करें कि फॉस्फोरस, तो दोस्तों फॉस्फोरस को देखा गया है कि ये ज्यादातर के मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम्स होते हैं चक्कर के यानी उन सबको कवर करती है, यानी चक्कर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसमें भी खास करके वो लोग जो थोड़ा एज्ड है यानी थोड़ा वृद्ध लोग हैं यानी 45 या 50 की एज के ऊपर के लोग हैं, अगर उनको चक्कर आते हैं तो उसके अंदर फॉस्फोरस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अंदर भी खास करके अगर सुबह के टाइम चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, भूखे पेट आपको चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, आपको शारीरिक कमजोरी ज्यादा रह रही है या कोई सेक्सुअल वीकनेस है या सेक्सुअल एक्सेस है उसके कारण भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तो वहां फॉस्फोरस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और इसको 30 पोटेंसी में आपको सुबह शाम लेना चाहिए। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो कि वर्टिगो में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो है कोकुलस इंडिका। दोस्तों इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार लेना चाहिए। दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोकुलस इंडिका जो है ये आपके वर्टिगो की मेन मेडिसिन यानी इसको थेरापूटिकली जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स को कवर करती है। और दोस्तों इसके चक्कर की एक खासियत कि आपको रूटीन में भी चक्कर आ रहा है और खास करके जब आप कोई तरह की ट्रैवलिंग करते हैं, मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं या बाई एयर यानी किसी भी तरह से जब आप ट्रैवलिंग वाली यानी जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस टाइम आपको चक्कर अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें भी अगर आपने मान लीजिए खाना खा लिया है, भरपेट भोजन लेके और फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। और ये चक्कर रूटीन के चक्कर में भी यूज की जाती है और कोकुलस इंडिका को जो है 30 पोटेंसी में हमें सुबह शाम यूज करना चाहिए। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम 30। दोस्तों जेल्सीमियम 30 भी वर्टिगो की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी हमें 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार यूज करना चाहिए। दोस्तों इसके अगर कुछ मेन सिम्टम्स की मैं बात करूं तो आपको हो सकता है कि विजन यानी आंखों में रोशनी में कुछ आपको डिस्टर्बेंस फील हो, आपको एक चीज डबल दिख सकती है, मेनली आपको सिर के पीछे में आपकी जो बुद्धि वाला जो हम एरिया बोलते हैं रूटीन में हिंदी में वहां पर आप भारीपन फील कर सकते हैं, आप सर्वाइकल भी फील कर सकते हैं, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, आपको कुछ चक्कर आएगा, प्लस आपको जो है बॉडी के अंदर आपको हो सकता है कि लो ब्लड प्रेशर हो। दोस्तों अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं तो वहां जेल्सीमियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों इसी के साथ आप जेल्सीमियम में देख सकते हैं कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, लड़खड़ाहट सी हो रही है और आपको बॉडी में इंबैलेंस फील कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो जेल्सीमियम को 30 पोटेंसी में हमें सुबह शाम काम में लेना चाहिए। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम 30। दोस्तों कोनियम 30 भी हमारे वर्टिगो की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको स्पेसिफिकली या थेरेपूटिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये हर प्रकार के जो आपके वर्टिगो में काम आती है और उसमें भी खास करके अगर आपकी एज 45-50 इससे ऊपर की अगर एज है यानी थोड़ा एज्ड लोग हैं जो कि मिड एज को क्रॉस करके अगर उनको चक्कर आ रहे हैं तो वहाँ कोनियम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों इसके अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें तो वही आपको चक्कर लगेगा, आपको लगेगा कि हर चीज में घूम रहा है, खास करके जैसे आप उठ के बैठे तो आपको चक्कर आएगा, आप बिस्तर में लेटे हुए एकदम खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएगा, आप करवट लेंगे तो आपको चक्कर आएगा, आपने सिर घुमाया तो आपको चक्कर आएगा। इस तरह के अगर लक्षण आपने को देखने को मिलते हैं तो आपको कोनियम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम समराइज करें मेडिसिन को तो ना आपको चार होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जो कि वर्टिगो में सबसे ज्यादा यूज होती है एज पर सिम्टम्स। और सबसे पहली मेडिसिन फॉस्फोरस 30, सेकंड मेडिसिन दोस्तों कोकुलस इंडिका 30, थर्ड जेल्सीमियम 30 और फोर्थ मेडिसिन मैंने आपको बताई कोनियम 30। दोस्तों ये मेडिसिन है जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, किस तरह से घर में रखना चाहिए, इसका मेरा अलग से एक वीडियो है हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा और भी काफी मेडिसिन आती है जो कि एज पर नीड यूज होती है, मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा
कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि नज़दीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मिले, तो आपको हो सकता है ये मेडिसिन दे और आपका अलग और ही कोई सिम्टम है जो इन सिम्टम से मैच नहीं खाता है, तो हो सकता है आपके लिए अलग से भी वो कोई मेडिसिन दे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको वर्टिगो या चक्कर पे जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।